15 अगस्त 1947 आजाद भारत के इतिहास में इस दिन की क्या अहमियत है यह हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश के कई हिस्से विदेशियों के अधीन थे, उन्हीं में से एक हिस्सा था गोवा। दरअसल 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव करीब 450 साल बाद पुर्तगाली साम्राज्य से आजाद हो गए। पुर्तगाल गोवा को आजाद करने के लिए यूं ही राजी नहीं हुआ। भारत सरकार ने कई बार पुर्तगाली शासन से इस इलाके को आजाद करने का निवेदन किया, लेकिन उसके कान पर जू ना रेंगी, जिसके बाद भारत सरकार ने सेना को पुर्तगाल से गोवा वापस लेने के आदेश दे दिए। इसके बाद 18 दिसंबर 1961 को शुरू हुआ ऑपरेशन विजय और करीब 36 घंटे बाद 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। आकार में छोटा होने के बावजूद गोवा शुरू से ही बड़ा व्यापार का केंद्र रहा। अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से गोवा न सिर्फ अंग्रेजों बल्कि मुगल शासन काल में भी राजाओं को आकर्षित करता रहा। बताया जाता है कि देश की आजादी के 3 साल बाद 1950 में गोवा की आजादी की मांग ने जोर पकड़ा। साल 1954 में भारत समर्थक गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने दादर और नागर हवेली को मुक्त करा लिया, जिसके बाद यहां आंदोलन और भी तेज हुआ। साल 1955 में करीब 3000 से अधिक सत्याग्रहियों ने गोवा की आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया। इसके बाद पुर्तगाली सेना ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। इस हिंसा में बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, लेकिन अब चिंगारी ने आग का रूप ले लिया था। गोवा में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मामले को उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिस वजह से भारत को सैन्य कार्रवाई का अंतिम विकल्प इस्तेमाल करना पड़ा और उसके बाद हुई गोवा की आजादी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com